स्वरचंद विद्यासागर को गवर्नर जनरल ने एक उपाधि देने का आयोजन किया था। तो गरीब आदमी थे और दीनहीन वस्त्र थे उनके। मित्रों ने कहा कि वायसराय के भवन में जाओगे, स्वागत समारोह होगा, बड़े बड़े लोग होंगे, पदाधिकारी होंगे, इन कपड़ों में नहीं, ये ठीक नहीं, हम तुम्हें अच्छे कपड़े बना देते। ईश्वरचंद ने बहुत मना किया कि मेरे ही कपड़े जो भी हैं मेरे ही हैं, तुम्हारे बनाए उधार होंगे। लेकिन मित्र न माने तो वो राजी हो गए। एक ही दिन पहले सांझ को घूमने निकले थे और उनके सामने ही एक मुसलमान लखनवी कपड़े पहने हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए, लखनवी चाल से चलता हुआ टहल रहा था आगे ही उनके। और तभी एक आदमी भागा हुआ आया और उसने कहा उस मुसलमान को कि मीर साहब, आपके मकान में आग लग गई, चलिए जल्दी चलिए, सब जला जा रहा है। ये सुनके विद्यासागर तक उत्तेजित हो गए, भागने को खड़े हो गए कि कहां लग गई आग। लेकिन वो आदमी वैसा ही चलता रहा जैसा चल रहा था। उस नौकर ने फिर कहा, मालिक सुना नहीं, आप होश में हैं, मकान में आग लग गई, सब जला जा रहा है और आपकी चाल वही चले जा रहे हैं, आप लखनवी चाल का ये मौका नहीं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा है कि उस आदमी ने मुस्कुरा के कहा, चाल मेरी जिंदगी भर की है, मकान के जलने न जलने से चाल को नहीं बदल सकता। फिर जो जल रहा है जल रहा है, मेरे दौड़ने से भी क्या होगा, ये मेरी जिंदगी भर की चाल है, इसको इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। तुझे भागना हो तू भाग, मैं आता हूं, ये मेरे टहलने का समय। फिर मकान जल ही रहा है, मेरे भागने से क्या होगा, मेरे भागने से कुछ बचने वाला नहीं। और वह आदमी उसी चाल से चलता रहा। विद्यासागर ने लिखा है कि मुझे होश हुआ, मैंने कहा हद हो गई बात, ये एक आदमी जिसे कोई फर्क ना पड़ा, और एक मैं हूं कि वायसराय कि सभा में जा रहा हूं पुरस्कार लेने, तो मित्रों के उधार कपड़े ले लिए, और यह आपने अपनी चाल नहीं बदल रहा है, मकान में आग लग गई तो भी, और मैं अपने कपड़े बदल रहा हूं। वो दूसरे दिन अपने पुराने गरीब के कपड़े ही पहने हुए वायसराय के भवन में पहुंच गए। वायसराय भी थोड़ा चिंतित था, उसने पूछा भी कि ईश्वरचंद्र, मैंने तो सुना था मित्रों ने कपड़ों की व्यवस्था कर दी, उनका कर दी थी, लेकिन मीर साहब ने सब गड़बड़ कर दी। नहीं, इतनी आसानी से क्या जिंदगी भर की चालें बदली जाती। जीवन में ऐसा हो कि वैसा हो, हमारी चाल वैसी की वैसी बनी रहे, जरा भी फर्क ना पड़े, भोग में कि त्याग में, सुख में कि दुख में, सफलता में कि विफलता में, तुम ठीक वैसे ही अकंप बने रहो तो ही विश्राम उपलब्ध हुआ है।